वो जो मुख्यमंत्री जो छिटपुट लगी हुई है वो पता नहीं क्या बोले वो क्या सरकार ने है फिर लगी है। अब बताइए गाता की परंपरा में इतनी ऊंची बातें किसी ने नहीं करी है, इतनी नहीं मिनिस्टर का कमेंट कभी नहीं किए हैं। भैरू सिंह जी थे, न्यूजीलैंड में गए थे, ओपन हुआ था, यही लोग जो आज नेता बोले ना डायरेक्ट इंडायरेक्टली सर्विस जो सोचने सरकार गिराने के लिए भैरू सिंह जी दिन भर आए थे कि नेता लोग मैं प्रदेश में अध्यक्ष था आप हमारे साथ दीजिए अब सरकार को रिवोल्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं आपको साथ दूंगा, एक मुख्यमंत्री चाहे बीजेपी का है वो गया हुआ है अमेरिका के अंग्रेजा जवाने के लिए, पीछे तुम यहाँ पर सरकार को सपोर्ट कर रहे हो, अब गुजरात होगा ये भैरवी आए थे वो अभियान फिर भी चलता रहा ताकि उन्होंने छोटी गाड़ी के अंदर इकट्ठा किया था अमेरिका को, बस में लेके गए थे असेंबली अंदर और असेंबली में फर्स्ट सीट पर जिसमें लाइन लगवाई थी सिक्योरिटी वालों की, इस फर्स्ट का आवेदन नहीं आया, दूसरे का आवेदन नहीं आए वोटिंग के वक्त में कई सरकार गिर नहीं जाए, ये वो लोग हैं जितने लोग फटफट कर रहे हैं अभी यहाँ पर, वो लोग वो है जो उस वक्त भी शामिल थे कि पता नहीं लौट के हमारे लिए भूल जाए, इनमें कई लोग वो है। अब वो शर्म ही नहीं आती है कि मुख्यमंत्री जो आपके मुख्यमंत्री जो थे उनका इतना ध्यान रखा बीमार है, इनका बीजेपी का राज्य अध्यक्ष शर्मा जी नाम थे शुरू में थे वो महेश शर्मा बीमार हो गए थे, मेरे यहां तो याद है मुझे महेश शर्मा की बात याद है, बीमार हो गए थे मैंने उन्हें हेलीकॉप्टर भेजा शिफ्ट किया जयपुर में उनको, जहां तक मुझे याद है वही होंगे मेरे घर से, हम जिन पर इतना ध्यान रख सकते हैं और ये इतने बेशुल्क लोग हैं इनको श्रम ही नहीं आती है अपने राज्य के मुख्यमंत्री बारे में भीड़ लगी हुई है और मैं ज्ञानपुर के लिए पटे बांधे हुआ हूँ, मुझे डर रखा है जैसे वो ममता बनर्जी इस जगह घूमने थी चुनाव जीत गई, लेकिन लगता है कहीं अशोक गहलोत भी बीच जगह घूमते हुए चुनाव जीत नहीं जाए, मेरे दोनों फ्रैक्चर लगे हुए फ्रैक्चर पड़े हुए दोनों अमूतों में, एक अमूत में तीन टुकड़े हो गए हैं हड्डी के, एक फ्रैक्चर में हेडमैन फ्रैक्चर है जिस अंगूठे में इनके लिए कहना चाहता हूँ संदेश के लिए, अगर आपको कहो तो मैं भेज दूँ आपको मेरे सीधी से भेज दूँ उनको नेताओं को बताने के लिए, आप बताइए जो मेरे पूरे नाखून मारा गया नाखून बचाने का प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर कर रहे हैं उस हेडन फैसले को ठीक होने नहीं लगेगी, दूसरे मुझे में तीन टुकड़े हो गए हैं उसी बोले की तरफ आगे बढ़ रहा है, परसों मैं घड़ा के आया हूँ सीटी स्कैन और ये बेशक लोग हैं जो कहते हैं ये तो चीज लग गई है और पता नहीं और कोई अभी कॉमेंट किया तुमसे देखा नहीं सात तारीख बाद बोलेंगे हाँ कोर्ट में नहीं जाना पड़े मेरे खिलाफ में बहुत बड़ा उन्होंने डिप्रेशन केस कैसे कर दिया है, मैं तो समझ गया था अगर डिप्रेशन केस करने से मुझसे माफी मांगने से 1.5 लाख लोगों का चेहरा तुम जला सको, मैं क्या तुम आरोपी हो अभी तुम्हें आज ही कह रहा हूँ ऐसे जी निश्चित है तुम आरोपी हो अभियुक्त हो दूसरे लोग अभियुक्त है मेरे से शेखावत भी अभियुक्त है, मैंने क्या कर देगा मैं होम मिनिस्टर हूँ मुझसे दो आगे मिले और उनके आंखों में आंसू आ गए हमारे 1 करोड़ डूब गया 50 लाख डूब गया 25 लाख डूब गया 8 लाख डूब गया 2.5 करोड़ डूब गया जिसे इकट्ठा करके जमा कराए 2.5 करोड़ हो गए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे।